बेमेतरा जिले के सेल्समैन ने राशन वितरण में हो रही परेशानी को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। पूरा मामला शासकीय उचित मूल्य की दुकान से जुड़ा हुआ है। सेल्समैन के पीएमओ मशीन में सर्वर नहीं होने के चलते परेशानियां आ रही है। हितग्राहियों को दो दो बार अंगूठा लगाना पड़ता है जिससे राशन वितरण में देरी होती है। साथ ही देरी के कारण हितग्राहियों और सेल्समैन के बीच जुबानी जंग भी हो जाती है। इन परेशानियों को लेकर जिले भर के सेल्समैन ने कलेक्टर से समाधान की गुहार लगाई है। सेल्समैन संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि राशन वितरण के लिए जो पीएमओ मशीन दी गई है उसमें सर्वर नहीं होने के कारण सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बैठने के बाद भी सभी हितग्राहियों को राशन वितरण नहीं हो पाता है और इसके चलते रात 9 बजे तक राशन की दुकान में बैठना पड़ता है। साथ ही हितग्राही और सेल्समैन के साथ गर्मा गर्म बहस भी हो जाती है। इसी समस्या को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई गई है ताकि समय पर सभी हितग्राहियों को राशन मिल सके। हम लोग जब से शासकीय उचित मूल्य को दुकानों में जब से ई पोस्ट मशीन आया तब से तो समस्या आ रही है, लेकिन अक्टूबर से जब से सॉफ्टवेयर में अपडेट हुआ है तब से बहुत ही ज्यादा समस्या बढ़ गया है। एक हितग्राही को राशन देने के लिए कम से कम 20 से 15 मिनट का समय लग रहा है और एक हितग्राही का चावल कम से कम 3 से 4 बार तोलना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान के लिए हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि सरोवर की समस्या को दूर करें। ये जो व्यवस्था है व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, नियमित निरीक्षण हो रहा है। कुछ सर्वर को लेकर के इश्यूज हैं जिनके कारण पे लोगों को एक बार दोबारा अंगूठा भी लगाना पड़ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। तो सर्वर के इशू को कैसे हम उसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसके साथ फूड ऑफिसर और ऊपर जो वरिष्ठ कार्यालय है उनसे हम चर्चा कर रहे हैं।